नमस्कार दोस्तों, फूड डिवाइन में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही टेस्टी फिश फ्राई की रेसिपी शेयर करूँगी। आज की रेसिपी आप एक बार ज़रूर बना के देखिएगा, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो रेसिपी देखिए, पसंद आए तो लाइक कॉमेंट के साथ दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल में अगर आप नए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की रेसिपी शुरू करते हैं, और आज के लाइक का गुण रखते हैं 1000। फिश फ्राई बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है आधा किलो सुरमई फिश। फिश आप कोई सा भी ले सकते हो जो आपको पसंद हो। तो सबसे पहले हम फिश में डालेंगे नमक। मैं एक चम्मच नमक डाल रही हूँ। आधा किलो फिश के हिसाब से मैंने यहाँ पे लिया है डेढ़ नींबू। नींबू के रस हम निचोड़ लेंगे। डालेंगे हम डेढ़ चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन डालने के बाद हम फिश में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और कम से कम 15 मिनट हम रेस्ट के लिए रखेंगे। फिर हम बाकी जो मसाले हैं वो डालेंगे। अगर आपके पास टाइम हो तो आप ज़्यादा टाइम भी रख सकते हो। बस सभी फिश में नमक और अदरक लहसुन नींबू मिक्स हो जाए, अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम 20 मिनट रेस्ट के लिए रखेंगे, उसके बाद आगे का स्टेप करेंगे। 20 मिनट हो गए हमें मछली को मैरिनेट किए हुए। बाउल छोटा पड़ रहा है क्योंकि अभी हमें इसमें बेसन ऐड करना है, तो मैं दूसरे एक बाउल में बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। इसमें हम डालेंगे एक चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, इससे कलर बहुत ही अच्छा आएगा। 1/4 चम्मच हल्दी डालेंगे हम यहाँ पे। डेढ़ चम्मच धनिया पाउडर। पहले भी बोला है, अगर आप मछली यहाँ पे कम लेते हो तो मसाले भी आप कम लीजिएगा। एक चम्मच जीरा पाउडर डाल दिया। आधा चम्मच हम डालेंगे यहाँ पे गरम मसाला। साथ ही डालेंगे डेढ़ चम्मच यहाँ पे राइस फ्लावर। 3 चम्मच बेसन। एक बार पहले हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। यहाँ पे मैंने एक अंडे ले लिया है, डाल देंगे और अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। हम यहाँ पे बेसन उतना ही ऐड करेंगे जितने में अच्छे से मछली में हमारे कोट हो जाए, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो 3 चम्मच से ज़्यादा मैंने यहाँ पे बेसन ऐड नहीं किया है। अच्छे से मिक्स कर दिया है सभी पीस में। देखिए 10 मिनट बस और रेस्ट के लिए रखेंगे, उसके बाद हम फ्राई करेंगे। आधा चम्मच हम यहाँ पे डालेंगे कलौंजी। कलौंजी को इस तरीके से क्रश करते हुए डाल देंगे, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आते हैं। तो मैं पहले डालना भूल गई थी, अब हम एक बार और मिक्स कर लेंगे। अब हम एक पैन में ले लेंगे तेल। तेल को हम पहले गरम कर लेंगे अच्छे से। तेल जब हमारा गरम हो जाए, गैस का फ्लेम हम बिल्कुल करेंगे लो पे, और एक एक करके हम फिश डालते जाएंगे। एक बारी में जितना आराम से फ्राई हो सके उतना ही हम डालेंगे। फिश को हम दो बारी में फ्राई करेंगे, 3 से 4 मिनट हम फ्राई करके निकाल लेंगे एक बार, फिर हम दोबारा फ्राई करेंगे। इस तरीके से फिश को फ्राई करने से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। एक बारी में जितना आराम से फ्राई हो सके उतना मैंने डाल दिया है। अब हम गैस का फ्लेम मीडियम करेंगे, और मीडियम फ्लेम में फिश को हम एक तरफ 2 मिनट फ्राई करेंगे, फिर हम साइड चेंज कर देंगे। दो
दो मिनट बाद एक एक करके सभी मछली हम पलट देंगे। इस तरफ पे दो मिनट फ्राई करेंगे, फिर हम निकाल लेंगे। तभी मछली मैंने पलट दिया है, अब हम दो मिनट इस तरफ भी फ्राई कर लेंगे। दोनों तरफ से मछलियों को पलट पलट के चार मिनट के लिए फ्राई कर लिया है और हल्का कलर चेंज हो गया है, आप देख सकते हो। सभी पीस को हम निकाल लेंगे और दूसरे बैच हम पहले फ्राई करेंगे, फिर हम यही वाला जो मछली है इसे हम दोबारा फ्राई करेंगे। इस तरीके से दो बार करने से बहुत ही क्रिस्पी हमारा फिश फ्राई बनके तैयार होगा। बस डालते टाइम गैस का फ्लेम हम लो पे रखेंगे, फिर हम मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे। सेम उसी तरीके से हमें फ्राई करना है, दो मिनट एक तरफ, फिर हम साइड चेंज करके दो मिनट और पकाएंगे। तभी फिश को मैंने फ्राई कर लिया है, जो पहले हमने फ्राई किया था उसे हम दोबारा डाल देंगे। तीन चार मिनट और हम फ्राई करेंगे बहुत ही अच्छे से कलर चेंज हो जाने तक, और जो लास्ट में हमने फ्राई किया है उसे हम इसके बाद डालेंगे। गैस का फ्लेम हम लो मीडियम करके फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम हम हाई नहीं करेंगे, हाई फ्लेम में फ्राई करने से फिश ऊपर से जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। तीन से चार मिनट हो गए, फिश हमारा अब अच्छे से फ्राई हो चुका है, निकाल लेंगे हम। देखिए और फिश में कितने अच्छे से हमारा बेसन और चावल के आटे का कोटिंग हो चुका है। तो इसी तरीके से हम बाकी फिश भी फ्राई कर लेंगे। देखिए बस इस बात का आपको ध्यान देना है कि फिश को आपको हाई फ्लेम में फ्राई नहीं करना है। इसी तरीके से हम बाकी पीस भी फ्राई कर लेंगे। तो बाकी जो पीस है उसे भी हम डाल लेंगे। अब मैं आपको दिखा दूं कि पहले बैच में हमें इस तरीके से फ्राई करना है, पूरी तरीके से कलर चेंज नहीं करना था। जो दोबारा हम फ्राई करेंगे तब हम बहुत अच्छे से फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स आज की ये रेसिपी एक बार आप जरूर बना के देखिएगा, उम्मीद है आप सभी को पसंद आएंगे। तो इसे बनाइए, खाइए, फिर मुझे बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल में अगर आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो नई रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।